अखिल भारतीय दलित समाज कल्याण परिषद चेयरमैन चमन राही ने आरोप लगाया है कि प्रदेश के पंचायती राज मंत्री द्वारा जिला मंडी के एक जिला स्तरीय पंचायती राज अधिकारी मंडी को राजनीतिक दबाव के तहत जिला परिषद व पंचायत प्रधानों के रोस्टर में अपने चहेतों को खुश करने के लिए रोस्टर बनाया जा रहा है, जो संविधान की अनदेखी का प्रमाण है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंडी जिला में 36 जिला परिषद सदस्य, 241 ब्लॉक समिति सदस्य, 3003 पंच बनेंगे, जबकि जिला परिषद सदस्य एक मिनी एमएलए के रूप में जाना जाता है। तारा सितारा आसपास के पंचायतों को मिलाकर वार्ड बनाया जाता है। जिला परिषद के प्रत्याशियों को हर पंचायत तक मतदाताओं से मिलने का समय होना चाहिए, जो सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है। पंचायत मेंबरों का आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया गया है, लेकिन परिषद का रोस्टर समय रहते जारी न करना सरकार की घटिया मानसिकता व पंचायती राज सिस्टम को कमजोर करने की कोशिश है। चमन राही ने शासन और प्रशासन से मांग की है कि सबका साथ सबका विकास सरकार के नारे के अनुसार सरकार कार्य करे। इस अवसर पर अखिल भारतीय दलित समाज कल्याण परिषद चेयरमैन चमन राही, प्रधान बल सुधार सभा यशवंत सिंह गुलेरिया, पूर्व अध्यक्ष अखिल भारतीय प्रजापति कुमकार महासंघ हरिचंद्र गोयल, महेंद्रपाल सिंह, सूरज सिंह गुलेरिया, शफीक अहमद, सिद्र अहमद व अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। राज है शासन और प्रशासन से, और जो जिला मंडी के जो जिला पंचायत अधिकारी है वो गलत तरीके से फीडबैक दे रहे हैं जिला प्रशासन डीसी साहब को। मैं उनसे मिला भी था, मैंने कहा था जिला परिषद का जो दायरा होता है बहुत बड़ा, इसकी बाढ़ एक मिनी एमएलए कहा जाता है, और जिला परिषद के लिए समय मिलना चाहिए। लोग चाहते हैं कि जिला परिषद का कैंडिडेट हर पंचायत तक पहुंचे, हर पंचायत से लोगों से मिले, वोट मांगे, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। बाढ़ के मेंबर का रोस्टर जारी हो गया, बीडीसी का मेंबर जारी हो गया, जिला परिषद का नहीं हो रहा, तो इस करके लोगों में भारी रोष है। तो हम चाहते हैं जिला परिषद के प्रचार प्रसार के लिए समय मिले और इसका रोस्टर शीघ्र जारी हो।